बाबा साहब समाज, देश और व्यक्तिगत जीवन के सभी पक्षों में एक ही बहुत महत्वपूर्ण, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सभी व्यक्तिगत जीवन के सभी पक्षों में नैतिकता के महत्व का विशेष उल्लेख करते थे। अपने निजी आचरण की नैतिकता और प्रमाणिकता के बल पर ही उन्होंने देश विदेश में असाधारण सम्मान अर्जित किया था। बाबा साहब व्यक्ति पूजा और आर्थिक शक्ति के संचयीकरण, आर्थिक शक्ति का संचयीकरण, इसके प्रबल विरोधी थे। और एक बाबा साहब के बारे में जो बहुत जानकार है, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास यदि कुछ इस प्रकार के डेटा मिल सके कि बाबा साहब की जब डेथ हुई थी या वो अपने जीते थे, उनका बैंक बैलेंस क्या था, तो उन्होंने कहा कि साहब जो मेरी जानकारी है उनका बैंक बैलेंस नील था, नील। इसका बैंक बैलेंस नील है और वो व्यक्ति भी समाज के वंचित वर्गों के लिए, समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए और पूरी मानवता के लिए इतना काम कर सकता है अकेले अकेले दम पर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात का जानबूझ के उल्लेख किया क्योंकि मैं अब एक संवैधानिक पद पर हूँ, पद की मर्यादाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग बाबा साहब को आइकन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए बाबा साहब का जीवन ही जो है वो सबसे प्रेरणादायी है। लेकिन कभी कभी बाबा साहब का नाम हम आगे करते हैं लेकिन उनके जीवन के जो उनके आदर्श थे, उन आदर्शों को शायद हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। सही मायने में यदि हम उन्हें अपना आइकन मानते हैं तो हमारा दायित्व है कि जो उनकी सोच थी उसे हम अपने जीवन में ढालें, साथ ही उनकी सामाजिक संवेदना को अपने व्यक्तिगत आचरण में स्थान दें। आप सब आज जहाँ तक पहुँचे, सभी लोग, कोई काम है, एक सांसारिक व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, या एक दुनियादारी में जो कहा जा सकता है कि कोई एमपी हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई गवर्नर हो गया, तो एक उसके नाप तोल की जाती है उसी पैमाने से। लेकिन जहाँ पर भी आप चले थे, आप अपने बचपन से, मैं सभी के लिए कहता हूँ, उसमें देश का हर नागरिक उसकी भूमिका है और उसके सबका इतिहास एक जैसे ही है। वो जहाँ से चले थे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आप देखेंगे पीछे मुड़ करके तो ना जाने कितने हैं आपके अपने हजारों लाखों लोगों को जो आपके सहपाठी थे, रिश्तेदार थे, वो सब छूट गए और छूट गए हैं। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम जो छूट चुके हैं उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, और वो हम सब पर लागू होता है। आप सबको पूरी संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ उन पिछड़ गए साथियों को भी आगे बढ़ाने में जितनी जो हैसियत है जिसकी, वो हमें मदद करती है। बाबा साहब द्वारा निर्मित हमारा संविधान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक नैतिकता का एक जीवन दस्तावेज है। और अभी पिछले संविधान दिवस पर मैंने इसी बात का उल्लेख भी किया था कि मॉडर्न इंडिया का ये हमारा स्क्रिप्चर है, मॉडर्न स्क्रिप्चर, इसको हम ग्रंथ कहते हैं। आज की तारीख में संविधान ही हमारा गीता है, कुरान है, बाइबल है और गुरु। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी देशवासी संविधान में निहित आदर्शों की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ेंगे। इस दिशा में ये फोरम और चैम्बर पूरी तत्परता से अपना योगदान देता रहेगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के हित में आप सबके प्रयासों से पूरा समाज
और देश लाभान्वित होगा। मैं आप सबको ऐसे प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और दो दिवसीय कार्यक्रम जो कल तक चलेगा उसकी सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।